गया, ध्यान देना दादा। 18 साल से और 40 साल तक या 50 साल तक जो आदमी कलंकित नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात है कि वो देवता से भी बढ़ के है। जो 18 साल से और 50 साल तक कलंकित नहीं हुआ, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो 18 साल से और 50 साल तक कलंकित न हुआ हो। ऐसे नहीं कि उसने गलत कार्य किया हो, वो गलत कार्य करे या न करे वो बात नहीं है, लेकिन समाज उसे कलंकित करेगा ये 100% सही है, ये सत्य है। अब जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको लोग कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम जैसे लोगों तो बिल्कुल नहीं, हम तो ऐसे हैं कि अगर जरा सा भी कुछ भी गलत मुंह से निकल गया या गलत कह दिया तो एक कोस नहीं एक हजार कोस तक बात फैलेगी। ये समाज का नियम है। जैसे एक गांव में 100 घर हो, 100 पीछे गांव में 100 घर हो, 100 घरों में लाइट न हो और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए और बल्ब जला ले तो वे 99 घर जग कबहु ना है, सोचते कि हमारे घर में लाइट आ जाए हम व्यवस्था कर ले। लेकिन वे जो जरूर सोचते हैं सो कौन सा दिन होवेगो जा दिन घर की लाइट चली जावे। आपने देखा होगा ये जो समाज होता है इसके लिए अगर आप मर भी जाओगे तो लोग कहेंगे मरे तो गो लेकिन ढंगते ना ही मरो, मनते ना ही मर पाओ, मरो तो है लेकिन आनंद ना आओ। मान के चलो जैसे गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा, हाथी भैया गांव में जब हाथी आता है तो गांव के लोग हाथी को गणेश ही समझते हैं, पूजा करेंगे, माला डालेंगे, बढ़िया सेवा करेंगे। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी कि गांव में जब हाथी आएगा तो उसके पीछे पीछे 10-20 कुत्ते जरूर भौंकते, कुत्ते हाथी पे जरूर भौंकेंगे। लेकिन ये हमारी और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंकते नहीं, वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते जो है वो हम और आप जैसे लोग जो हाथी के माला डाल रहे हो, पूजा कर रहे हो ना गणेश जी समझ के, वो उन पे भौंकते और ये कहते हैं कि हम गांव में 24 घंटा पैरा लगा रहे, हमें तो रोटी ना ही डाली जाती हो जो एक दिन के लायक आओ जो कि तो माला पूजा चल रही है। तो ये उन्हें दिक्कत है। अबे तुम चुनाव लड़ो और चुनाव में मान के चलो जैसे प्रधानी का चुनाव है तो समाज के लोग कहेंगे कि पागल है, गए हो हार जाओगे, बैठ जाओ रुपया खर्च हो जावे को, और कहूं धोखे में जीत गए बोलेंगे हमने तो पहले ही कही तुम्हारा व्यवहार बहुत बढ़िया है, तुम तो जीत जाओ, हमें तो पता है तुम जीत जाओ। ये अपनी सीधी रखता समाज अपनी उल्टी रखता है। एक पहाड़ी पर 100 मेढक चढ़ते, 100 पहले एक गिरा, दो गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, 70, 80, 90, 95, 99 बचा कितना? एक। अपो 99 मेढक नीचे आ गए, एक बराबर पहाड़ी चढ़ रहा है तो लोगों ने पूछा कि भैया वो कैसे चढ़ रहा? अब नीचे वाले चिल्ला रहे जब 99 नीचे आएंगे तू का बहुत बड़ो बलवान है जो तू चढ़ी जाए नीचे आ जा, लेकिन वो मेढक चढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें जब वो मेढक पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो लोगों ने पूछा ये पहाड़ी कैसे चढ़ गया, तो जवाब दिया कि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। जब पहला चढ़ रहा था तो और जो 99 तो we'll be right back.
प्रिया, जब सत्राजित को देखा तो यादव आपस में बातें करने लगे। बोले भैया, जब मरीज के गले में अच्छी नाई लग रही, दूसरों बोलो अगर भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बोले तो बोले ये मणि भगवान को मिलनी चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। भगवान धीरे से बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये अपने मन से दे दे तो कोई बात नहीं। यहां सत्राजित ने विचार कियो, श्री बलराम शास्त्री जी भैया उनके बहनोई दोपहरिया से आए हुए, जो 201 रुपए से सम्मानित कर रहे प्रवंसी वाले, सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, जो इच्छाएं हम पूर्ण हो ये विलास और आकांक्षा है। और ये रवि भैया जी उनके बेटे अनिरुद्ध आगरा से माल्यार्पण कर रहे हैं, और महाराज परीक्षित गणपति जी को सम्मान कर रहे हैं, कलश वाली कन्याओं को सम्मान कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को, संतजनों को भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हम पूर्ण हों ये विलास और आकांक्षा है। भैया सत्रा जी चला आया, उसने अपने भैया प्रसेन को वो मड़ी दे दी, तो प्रसेन उस मड़ी को लेके बोले, बोला प्रसेन उसके मुख में छड़वर में पानी आता है, सच है भोजी के थैले पर देवर सर्राफी करता है, मैं रखता हूं हमसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा, एक ही करारे झटके में उत्तरन जुबा पे आएगा, तुम हमें लाओ मड़ी। महाराज भगवान को कोस करके प्रसेन उस मणि को लेकर के शिकार खेलने के लिए चला। जब शिकार खेलने के लिए चले तो एक सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया, और उस मणि को दांतों तले दबा करके जामबंत की कुटिया से होकर के निकले, तो जामबंत ने उस शेर का वध कर दिया और उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया। 10-15 दिन है गए, जब प्रसेन लौट के नाए आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के खूब रोई। अब सत्राजित को ये लग रहा है कि भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दिया। ये खबर फैलती फैलती भगवान के पास पहुंचे कि मुझे कलंकित कर दिया।